प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई एक चुनावी सभा में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को घेरे में लेते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी खास छुट्टियों के दौरान साल 1987 में युद्धपोत INS विराट का इस्तेमाल निजी टैक्सी के रूप में किया। शोर बढ़ा तो अगले ही दिन नेवी से जुड़े कुछ अफसरान के बयान आ गए कि वो एक आधिकारिक दौरा था और उसमें कोई सैर सपाटे जैसी बात थी ही नहीं। लेकिन अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी 30 साल पुरानी रिपोर्ट्स के हवाले से नेवी के अधिकारियों की बात को गलत ठहराया है। 16 दिसंबर 1987 में छपी एक रिपोर्ट में दरअसल ये लिखा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1987 के क्रिसमस की छुट्टी इटली से आए रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ लक्षद्वीप समूह के एक निर्जन द्वीप पर बिताएंगे। सो इसके बाद उनकी लक्षद्वीप यात्रा को देखते हुए तमाम इंजीनियर्स और कर्मचारी आधुनिक सुविधाओं के साथ उस द्वीप पर हेलीपैड और अस्थायी झोपड़ियों का निर्माण करवाने में जुट गए। यहां तक कि नारियल और मछलियों को छोड़कर तमाम खाने पीने की चीजों को एयरलिफ्ट भी किया गया। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने 28 दिसंबर 1987 में छपी रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निर्जन द्वीपों में से एक पर छुट्टियां मनाने के कारण मुख्य भूमि से लक्षद्वीप तक लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। जो भी लोग द्वीप पर जाना चाहते हैं उन्हें अब प्रधानमंत्री की छुट्टियां खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो 15 जनवरी तक सभी जहाजों की टिकट बिक्री को भी बंद कर दिया गया। वहीं इंडियन एक्सप्रेस में 30 दिसंबर 1987 में पब्लिश रिपोर्ट में यह लिखा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा साल के आखिर की छुट्टियां बिताने के लिए इसीलिए बंगाराम द्वीप को चुना गया कि एक तो लक्षद्वीप समूह में मौजूद इस आइलैंड को विशेष दर्जा मिला हुआ है, यही नहीं ये इकलौता ऐसा द्वीप है जहां शराब पीने की इजाजत है। दरअसल अखबार ने अपनी इस रिपोर्ट में यह भी लिखा कि यह समझा जाता है कि प्रधानमंत्री एक जहाज पर नए साल की पार्टी की मेजबानी करने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए कुछ चुनिंदा ब्रांड के शराब के कार्टन्स को VIP की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले ही बंगाराम द्वीप भेज दिया गया है। 24 जनवरी 1988 को इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि कम से कम 8 विदेशी मेहमान यहां नए साल की छुट्टी के दौरान प्रधानमंत्री और उनके परिवार में शामिल हुए, जिसमें कुल मिलाकर 24 पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे और इन सभी की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए कई विभागों, रसोइयों और नौसेना से जुड़े 70 और लोग भी साथ दिखे। यही नहीं, पड़ोसी अगत्ती द्वीप पर लक्षद्वीप पुलिस और मध्य प्रदेश सशस्त्र विशेष पुलिस के करीब 1200 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में लगाया गया। 24 जनवरी 1988 को इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसे नाम भी लिए जो जाने माने नाम हैं, खासतौर से सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी, अजिताभ बच्चन की 3 बेटियां अमिताभ, जया बच्चन, उनके बच्चे श्वेता और अभिषेक बच्चन के अलावा सोनिया गांधी की माँ पी माइनो, बहन नादिया वाल्डिमेरो, बच्चा जी वाल्डिमेरो, बहनोई वॉल्टर विंची और सोनिया की जर्मन फ्रेंड सबीना का नाम उस लिस्ट में शामिल है। अखबार के हवाले से तो ये भी जानकारी मिली कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की लक्षद्वीप यात्रा के दौरान नौसेना के बेड़े की तरफ से उन्हें 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराई गई। तो जिस तरह से गांधी परिवार के विराट पर छुट्टी मनाने का मुद्दा चुनाव के आखिरी दिनों में उठा है, लगता है बयानों के समंदर में अभी कई लहरें बाकी हैं।